हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डार्क चॉकलेट प्रीमिक्स कैसे बनाएं और प्रीमिक्स से डार्क चॉकलेट केक स्पॉन्ज बना के दिखाऊंगी। एक चॉकलेट केक जो मैं शेयर की थी उसकी वीडियो में बताई थी कि लोग सच छुपाते छुपाते हैं, सही से बताते नहीं। पता नहीं क्यों सच बताते नहीं। 2 साल के बाद केक बनाते बनाते आखिर वो सीक्रेट्स जान गई। और आप सबकी डिमांड भी था, कमेंट्स किए थे, इतना डार्क चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनेगा। तो लो फ्रेंड्स, आज लाई हूँ इस वीडियो में सारे सीक्रेट्स। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले केक की प्रीमिक्स बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और जो मेजरिंग स्पून और ये बाउल और एक छन्नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो व्हाइट फ्लोर है वो 1 कप ली हूँ, जिसको मैदा हम कहते हैं, और इसे अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। उसके बाद फिर छन्नी रख के छन्नी के ऊपर ये 1/2 कप पाउडर शुगर है, जो पीसी हुई चीनी, उसको लेके फिर अच्छे से इसको भी छान लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं वीडियो में दिखाई हूँ, जैसे मेजरमेंट की हूँ, वैसे ही आप ऐसे जो मेजरमेंट करके लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो आपका ये बिल्कुल 1/2 किलो का केक बनेगा। फिर उसके बाद ये बेकिंग पाउडर है, ये 1 टीस्पून ली हूँ, और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ली, और जो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून ली हूँ। इसकी सब मेजरिंग मैं स्क्रीन पर लिख दी हूँ। फिर इसमें 1 पिंच जो साइट्रिक एसिड डाल के अच्छे से इसको मिलाई हूँ। यहाँ पर साइट्रिक एसिड डालने से ये जो प्रीमिक्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे सीक्रेट्स जो सब छुपाते फिरते हैं कि डार्क चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनता है, इतना डार्क कैसे बनता है, ये है सीक्रेट। मैं बहुत कोशिश करती थी कि इतना डार्क कैसे बनता है। सारे कोको पाउडर यूज करते करते फिर ये मैं सक्सेस हुई प्योर मेट की। ये कोको पाउडर, ये 500 ग्राम की पैकेट है, आप ले सकते हैं अपने आसपास की मार्केट से। ये बहुत ही डार्क कलर होती है। 1 टेबलस्पून में कोको पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स की हूँ। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 बार छन्नी से फिर से छान लेना है। इसे क्या होगा, इसे जो लंग्स बिल्कुल नहीं रहेगा और इसके अंदर एयर आ जाएगा, जिसे क्या होगा, आप जो परफेक्ट डार्क चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार होगा। तो आप इस मेथड को जरूर करें, बिल्कुल स्किप ना करें इस मेथड को। 2-3 बार आप इसे जरूर छान ले जो छन्नी से, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है, ये जो प्रीमिक्स बनकर रेडी होती है। तो ये हमारा चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। आप इसे 1 मंथ के लिए सेव करके रख सकते हैं विदाउट फ्रिज रूम टेम्परेचर में, और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से रखें। इसे हमारी 1/2 किलो जो केक है ये हो जाएगा प्रीमिक्स से, इतना प्रीमिक्स से यह 1/2 किलो केक हो जाएगा। तो आज मैं इसी प्रीमिक्स से 1/2 किलो चॉकलेट स्पॉन्ज बना के आप लोगों को सिखाऊंगी। तो केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे चॉकलेट प्रीमिक्स। मैं यहाँ पर 180 ग्राम में ली हूँ जो चॉकलेट प्रीमिक्स। फिर 1 टेबल स्पून जो वेजिटेबल ऑयल देकर ये नॉर्मल पानी से हमें इसको मिक्स करना है। धीरे धीरे से पानी डाल के इसे मिक्स करना है। अभी ये थोड़ी सी ड्राई है तो कप में बची हुई पानी को दे देंगे और ये बैटर को मिक्स करना है। इसकी बैटर ऐसे मीडियम रहना है, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बैटर लेना है। ये बैटर बन के तैयार है। अब हम इसी स्टेज में एक केक टिन लेना है, और जो केक टिन में एक पेपर डाल के
ऑयल से ग्रीस करेंगे, करके ये जो बैटर हम टिन में डाल देना है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो हमेशा 200 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ, फिर आज की 180 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ। इसलिए ली हूँ कि ये चॉकलेट केक है, इसमें गनाश जाएगा जो डेकोरेशन के टाइम, फिर चॉकलेट गार्निशिंग भी जाएगा बहुत सारे, और जो चोको चिप्स भी जाएगा, इसीलिए मैं 180 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ। और फिर अब इसको टैप टैप कर देना है। टैप टैप करने से इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाएगा, और इसके बाद हम इसको बेक करेंगे ये राउंड ओवन में। और इसे मैं 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है, इसमें केक टिन को रख के 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट्स के बाद केक को चेक करने के लिए एक टूथपिक है जो केक स्पंज के बीच में डाल के देखिएगा, अगर टूथपिक में कुछ नहीं आता है तो केक रेडी है, अगर कुछ लगता है टूथपिक में तो 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, आप जब ये राउंड ओवन को यूज करते हैं तो प्लग से निकाल कर, प्लग को निकाल कर जो बोर्ड से आप इसको टच कीजिए, नहीं तो बहुत जोर से जो करंट का झटका लगता है। हमारा केक स्पंज बिल्कुल रेडी है, ये केक को कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गर्म है। अब हम इसको डीमोल्ड करके, और ये जो देखिए हमारे जो बिल्कुल परफेक्ट डार्क चॉकलेट केक जो स्पंज बनकर रेडी हुई है। फ्रेंड्स, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सबको अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है और इससे कुछ आप सीख पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले ये जो टॉप लेयर को रिमूव करेंगे, फिर अब हम इसको 3 लेयर में कट लगाएंगे। देखिए इसका जो ये जो केक कितना स्पंजी बना है, कितना परफेक्ट बना है, कितना बढ़िया केक स्पंज बना है, एकदम स्पंजी। तो आप इस मेथड को, जो इस मेथड से डार्क चॉकलेट केक स्पंज जरूर बनाएं और जरूर ट्राई करें। इस तरह डार्क चॉकलेट केक स्पंज से आइसिंग करके एक वीडियो मैं अभी रिसेंट शेयर की हूँ, और वैनिला प्रीमिक्स की रेसिपी भी शेयर की हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो गई हमारी चॉकलेट प्रीमिक्स से चॉकलेट स्पंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।